हमने जेंडर इक्वालिटी दे रखी है, ये कुरान कहता है। ये हमारे कुछ पाखंडी मौलवी मुल्ला है जिन्होंने इस्लाम को एक बदनुमा शक्ल देने की बेपनाह कोशिश की है, और जिन कोशिश को खत्म करने के लिए और ऐसे पाखंडी शक्ल को सामने लेकर आने के लिए, ये दुर्भाग्य की बात है मेरी। मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ, मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, ये दुर्भाग्यजनक बात है मेरे लिए कि आज रेप जैसी घटनाओं के और मोलेस्टेशन और तीन तलाक जैसी घटनाओं के ज्यादा से ज्यादा मुजरिम जो है वो जेल में 82.7% जेल की कस्टडी में मुसलमान मर्द है। ये हमारे मेरे लिए दुर्भाग्य है। 82.7%। आप अगर चाहे, कोई मुसलमान मर्द अगर चाहे वो हिंदू लड़की से शादी कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट दिया गया है, हमारे हमारे संविधान ने, हमारे इंडियन पेनल कोड ने आपको आपको ये एक्ट दिया है कि आप कर सकते हैं। लेकिन आप पहले एक दरखास्त कीजिए अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और दोनों पक्षों के माँ बाप आकर के हामी भरेंगे कि हाँ मेरी रजामंदी से ये शादी हो रही है, तब आप कीजिए ना, धूमधाम से शादी कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हो क्या रहा था 9 साल पहले, वो उसको भगा के ले जा रहा है, वो उसको फुसला कर ले जा रहा है, 2 दिन के बाद तलाक दे दे रहा है, 4 बच्चा पैदा करके तलाक दे दे रहा है। हिंदू लड़की है, उसको तो पता ही नहीं है, क्योंकि हिंदू और सनातनी धर्म में एक बीवी के साथ जीना है, एक बीवी के साथ मरना है, 7 जन्मों का कसम खा लेते हैं वो फेरा लेते वक्त, बिल्कुल के साथ इसी जन्म नहीं, हम 7 जन्म भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तो जो हिंदू लड़की बचपन से सनातन धर्म को देखते आई है कि मेरे माँ बाबा तो एक जन्म क्या 7 जन्म की का प्रॉमिस करके बैठे हुए हैं, ये तो मुझे 7 महीने भी नहीं रख पाया, तलाक दे दिया। तो इसको रोकने के लिए भी लव जिहाद एक्ट आया। तो ऐसा नहीं है कि गलतियां या क्राइम हिंदुस्तान में नहीं हो रहे हैं, होते आए हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कानून को और सख्त किया जा रहा है, और सख्त किया जा रहा है, और सख्त किया जा रहा है, पॉलिसीज जो वगैरह अब बनाई आपके जा रही है। खानदान में बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैम, यहाँ पे जो एक आप बात, मतलब आपकी ही बातों से एक बात मेरे माइंड में आई। आपने बोला, आपने अपनी एग्जांपल दी, अपनी सिस्टर्स की एग्जांपल दी, इसके अलावा कश्मीर की कुछ लड़कियों की हमने बात की जो मुस्लिम लड़कियां हैं। तो इससे बात एक चीज साबित होती है, या एक मेरे माइंड में बात आती है कि इसका मतलब अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो इसमें मजहब, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को मजहब नहीं रोकता कोई भी। जैसे आप मुस्लिम बिल्कुल फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपने बोला मेरी तो आपकी मदर ने मुझे ये कहा कि भाई आपको पहले डिग्री लेनी है, पहले कई अच्छी जगह पे आपने अपना वेल सेटल होना है, उसके बाद शादी करो या जो भी करो। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक कंसेप्ट थोड़ा बहुत दिया जाता है या कहा जाता है कि भाई इस मजहब से बिलोंग करते हैं इसलिए खवातीन को रोका जा रहा है, या उस मजहब से बिलोंग करते हैं इसलिए रोका जा रहा है, अगर कोई रोकता है वो अपनी मर्जी, अपनी जहालत की वजह से रोकता है। मजहब डेफिनेटली का डेफिनेटली। इस्तेमाल किया जाता है, मजहब को बदनाम किया जाता है। देखिए शुएब, मैं अब आपको कुरान के हवाले से बता देती हूँ, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ। जी हमारे इस्लाम और हमारे 30 पारा कुरान ने भी ना औरतों को रोका है शिक्षा से और ना ही मर्दों को रोका है। कुरान का पहला वर्ड इकरा कर जी है ना, तो कुरान का पहला वर्ड इकरा, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई तालीम लेनी है तो चीन तक पहुंच जाओ, ये ऐसे मत सोचो कि आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने तो ये नहीं कहा ना अंडर ब्रैकेट के भाई इकरा अंडर ब्रैकेट, औरतों को घर में बैठना है, रोटी बेलना है और बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना है, अंडर ब्रैकेट इकरा, मर्द सिर्फ बाहर जा सकते हैं, मर्द सिर्फ एडुकेशन ले सकते हैं, ये तो उन्होंने लिखा नहीं। उन्होंने इकरा लिखा क्योंकि हमारा कुरान बार बार सूरह अन्निसा में बार बार कहता है और सूरह अल बकरा में भी कि भाई हम जेंडर इक्वालिटी दे रहे हैं, हमने जेंडर इक्वालिटी दे रखी है, ये कुरान कहता है। ये हमारे कुछ पाखंडी मौलवी मुल्ला है जिन्होंने इस्लाम को एक बदनुमा शक्ल देने की बेपनाह कोशिश की है, और जिन कोशिश को खत्म करने के लिए और ऐसे पाखंडी शक्ल को सामने लेकर आने के लिए हिंदुस्तान में हम जैसी महिलाएं हैं इस धरती पर, और जो हर रोज हम लोग असल उनको में नंगा करते हैं। जो अपने आप को मजहब के ठेकेदार समझते हैं वही लोग एग्जैक्टली इस मजहब का इमेज खराब कर रहे हैं, और बहुत तेजी से खराब कर रहे हैं। मतलब वो जो मॉडर्न चीज है उसको समझने की तरफ नहीं आ रहे, अब जो सच है उसे देखने या मानने की तरफ नहीं आ रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर सच बता दिया जाएगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारे दरबार बंद हो जाएंगे, हमें चंदा आना बंद हो जाएगा। शायद ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, मौलवी हजरात को जानता हूँ, जिनके अपने बेटे बेटियां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं और जिस तरीके से ड्रेसिंग करती हैं मैं वो भी जानता हूं। लेकिन दूसरों के लोगों को, बच्चों को आप ये कहें कि आपने इस तरीके से रहना है, आपने ये यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, आपने को एजुकेशन में नहीं पढ़ना, तो शायद ये नाइंसाफी है और मजहब के साथ नाइंसाफी है।
इसका मैं शोएब भाई एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको और पूरी जिम्मेदारी से दे रही हूँ और अपने हिंदुस्तान से ही दे रही हूँ, ठीक है। दिल्ली के जामा मस्जिद में इमाम बुखारी साहब है, ठीक है। दिल्ली के जामा मस्जिद में इमाम बुखारी साहब है, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो दिल्ली के जामा मस्जिद में शाही इमाम के तख्त पर बैठती आई है, ठीक है। लोग उनको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उनको नबी करके पुकारते हैं, उनके हाथ चूमते हैं। जो लोग उनके जामा मस्जिद में उनके पीछे उनकी निगरानी में उनकी जिम्मेदारी पर ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद ये महसूस करते हैं कि भाई अब तो वो सीधा जन्नत चले जाएंगे और जन्नत में उनको 72 वर्जिन हूर भी मिल जाएगी, उनकी असलियत मैं आज आपके सामने खोल रही हूँ। इससे पहले भी मैंने खोली है पर आपके सामने भी खोल रही हूँ। उनका इकलौता बेटा, इकलौता बेटा जिसकी जिसने शादी हिंदू औरत से की, ठीक है। अब मुझे और क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मुसलमान लड़कियां क्या इतनी बुरी हैं कि एक इमाम, एक शाही इमाम इस पूरे देश का सबसे बड़े मस्जिद में बैठने वाला, दिल्ली के जामा मस्जिद में बैठने वाला, जहां से न्यूज आने के बाद कि अभी भाई चांद हो गई अब आप ईद मना लीजिए, अभी चांद हो गई अब आप कल से रोजा रख लीजिए, उनके कहने पर हम रोजा रखते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं और हम ईद मनाते हैं, उनका बेटा हिंदू से शादी करता है। और उसके बाद जब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी तो मैंने थोड़ा पता करवाया कि भाई इनके घर के बाल बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा शोएब भाई, हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान मुल्ला मौलवी हैं और कुछ मुसलमान नेता मंत्री हैं जो वंदे मातरम बोलने से उनको शर्म आती है, जो जिनको जनगण मना अधिनायक जय है बोलने से उनको उनको शर्म आती है, उनको ऐसा लगता है कि वो अपने इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। तब मैंने थोड़ी सी एक जासूसी वाली काम की और मैंने कुछ मौलवियों का नाम निकाला और उनके बच्चों का मैंने इंक्वायरी करवाया कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। पता चला 5 ऐसे मौलवी हैं, इमाम हैं, जो हमेशा समाज के ठेकेदार बनते आए हैं और हमेशा टीवी चैनल से लेकर के अपने फतवे को जारी करते आए हैं और हमारे ऊपर अपने शरिया को थोपते आए हैं, और उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल और कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर असेंबली में वो बाइबल की जो स्टोरी होती है उसको वो सुबह में प्रे करते हैं, और बाहर और उनके माँ बाप जो इमाम बनकर बैठे हैं वो कहते हैं कि हम बाइबल नहीं मानेंगे, हम जीसस क्राइस्ट नहीं मानेंगे, हम ईसा मसीह नहीं मानेंगे, हम बीबी मरियम नहीं मानेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ आपके आपके प्लेटफॉर्म से शोएब भाई कि आप किस यहूदियों को मारने और किस यहूदियों को आप फना करने की बात कर रहे हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो यहूदी थी, तो क्या इस सच्चाई को भी आप इनकार कर दीजिएगा? क्या इस सच्चाई को भी आप नजर से हटा दीजिएगा? आप अपने बच्चों की तालीम कॉन्वेंट और कैथोलिक स्कूल में करते हैं, आप अपने बच्चों को रेंज रोवर से भेजते हैं, आप अपने बच्चों को मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से भेजते हैं, आपके घर घर का इकलौता बेटा हिंदू लड़की से शादी करता है और आप समाज के सामने आकर कहते हैं कि देखो नाजिया इलाही खान कितनी आवारा है कि इसने हिजाब नहीं ओढ़ा है, तो ये पार्शियलिटी नाजिया इलाही खान क्यों सहेगी? ऐसे ही ये है, पार्शियलिटी क्यों सहेगी? यही चीज है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। देखिए मैं अपनी अगर बात करता हूँ, मैं मजहब को इतना डिस्कस नहीं करता क्योंकि नॉलेज, अगर आपको किस चीज पे किसी भी फील्ड में अगर नॉलेज ना हो उसके ऊपर इतनी बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ ग्राउंड लेवल की, जो चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ वही चीज मैं आगे लाने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान में अगर बात करें, कभी बहावलपुर यूनिवर्सिटी, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी, कभी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां से हमें स्कैंडल्स देखने को मिलते हैं। लाहौर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से स्कैंडल्स देखने को मिलते हैं, और अभी एक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। और हम फिर जब इंडिया की बात करते हैं तो ये कहा जाता है हमें, मैं आपको बताता चलूं, हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि इंडिया में जो रेप केसेस हैं उनकी जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप वहां के वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, आप वहां पे खवातीन की आजादी की बात कर रहे हो। मैंने तो अभी बता दिया ना कि 82.7% मुसलमान अंडर द कस्टडी है, बिहाइंड द बार है, बिहाइंड द जेल है, मुसलमान है। तो देखिए मैंने तो एक आंकड़ा निकाला हुआ है जहां पर, और ये एक्चुअल में है, इसका मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ कि जहां पर जिस जिस स्टेट में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उस स्टेट में दंगा, जिहाद का मैदान,
मर्डर रिसेंटली हम देख फैक्ट्स रहे हैं एक वाकया सामने आ रहा है, आपका इंटरनल मैटर है वैसे तो, जिसमें हिंदू मुस्लिम को लेके सामने बातें की जा रही हैं कि शायद मुसलमानों ने अटैक किया हिंदुओं के ऊपर। और जी जी बिल्कुल, हरियाणा नू और मेवात की जी आप बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। अभी उसके कुछ तत्व और कुछ प्रूफ भी मेरे पास है, आप चाहेंगे तो मैं वो भी आपको दे सकती हूँ। जी देखिए, ये दंगा इन्होंने पूरा स्टार्ट किया है मुहर्रम की 10 तारीख से। सबसे पहले दिल्ली NCR में नागोली इलाके में ये पूरा अपना जुलूस लेकर के निकाल करके, तलवार भाला निकाल करके लेकर जा रहे थे, और वहां से उन्होंने दंगा स्टार्ट किया। बच्चों के स्कूल की बस जा रही थी जिस पर पथराव स्टार्ट किया, बच्चे सहमे, कुछ बच्चों को चोट लगी है, वहां का स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। हिंदू हिंदू औरतों पर उन्होंने घेराव किया, पथराव किया, उसके बाद फिर उसको किसी भी तरीके से बिल्कुल अंडर द बैरिकेट ऑफ लॉ कंट्रोल किया गया, जो जो गलत थे उनको कस्टडी में लिया गया, उस पर FIR हुआ। अब इनका इनको सब्र नहीं हुआ, उसके बाद कई कई न्यू ये वायरल कराए गए, कई वीडियो मुल्लाओं की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, मौलवियों की तरफ से वायरल कराए कराए गए। इसी बीच में नूह में एक शोभा यात्रा निकलने वाली थी जो हर साल निकलती आई है, और जिसका एक मतलब इतिहास रहा है, जिसमें जिस महाशिव की पूजा में कई मिरेकल्स भी हुए हैं। तो अपनी अपनी आराधना और अपने अपने विश्वास की बात है, और इसमें किसी को भी आड़े और अड़चन नहीं आना चाहिए, किसी को भी बीच में नहीं आना चाहिए। हर इंसान के अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि वो अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास पर अपने अपने भगवान और अल्लाह को पूज सकता है और उस पर विश्वास रख सकता है। वो शोभा यात्रा कई बरसों से निकलती भी आई है, और उस शोभा यात्रा में मात्र 35 लोग उस शोभा यात्रा को लेकर निकल रहे थे। अचानक से 500 से 600 लोग आकर के मुसलमान उस शोभा यात्रा को घेर लेते हैं, और उसके बाद गोली, बम, बारूद, कई गाड़ियों में आग, यहाँ तक कि मैं आपको शोएब भाई वो वीडियो भी दे सकती हूँ जहां पर हमारी हिंदू माता बहनों के माथे से सिंदूर पोछा है उन मुसलमान लड़कों ने, जहां पर माता बहनों की ओढ़नी नोची है उन मुसलमान लड़कों ने, जहां पर पंडितों को और सनातनी भाइयों को लात मुक्के से मारा है उन मुसलमान मर्दों ने, उन मुल्लाओं ने, जहां पर पुलिस की गाड़ी को आग लगाया है और पुलिस को झाड़ के नीचे छुपना पड़ा है, पेड़ के नीचे छुपना पड़ा है, क्योंकि पेड़ों पर चढ़ चढ़ करके उन्होंने गोलियां चलाई हैं। आज ना जाने कितनी माँ की गोद सूनी हो गई, और कितनी हमारी हिंदू बहनों की सिंदूर जो है वो उजड़ गई है इन मुसलमानों की वजह से। और मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ, अगर आप थोड़ा सा समय देंगे, कि क्या वीडियो वायरल करवाया गया था उसको, उस चीज को हवा देने के लिए। जी जी बिल्कुल, और यही चीजें हैं। देखें, हमें हमेशा वन साइडेड स्टोरी जब बताई जाएगी, जब हमें यही बताया जाएगा, जब एक वाकया होता है उस वाकये की वजह क्या है ये नहीं बताई जाएगी, हमें बस ये बता दिया जाए। जी, तो छिट्टी छिट्टी कर दो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए धार आए, कह देना साहब गुंडे हमें क्या पता, अगर वो आता है तो उसके साथ में हरियाणा पुलिस का पूरा संरक्षण रहेगा, और अगर वो आता है तो राजस्थान पुलिस उस पर गौर करे, वरना खून खराबा हो सकता है। आप सावधान रहें और ऐसे कीड़े मकोड़ों से डरे नहीं, अगर ऐसे कीड़े मकोड़े आएंगे तो इसके मैं बाद इसने पुलिस में बहुत कहता हूँ, गंदी गंदी गालियां दी है, पुलिस में ठीक रहता हूँ। है। अच्छा, अब और यहाँ पे मुझे देखे, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कोई गलत है। जी, एक और भाई, एक और, ये इस मेवात में आपके पाकिस्तान का भी हाथ है। यात्रा लेके आ रो है, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना? देखो, मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो मतलब जन्नत का हकदार, मतलब मैं मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमान के लिए लड़ रहा हूँ, जंग गई, और या मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मैंने कामयाब करेगा, जिस जैसे आवा ना सही, इनकी तोड़ फोड़ कर दो। और हिंदुओं से तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, जो धर्म के रखवाले हो ना, तो धर्म की रखवाली करो, अपनी माँ चुदा के मुसलमानों को, यमियों को, यमेवात वालों को ना ठीक छेड़ो। है, आप मतलब
इस तरीके से देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कह के इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहता हूँ। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि कौन गलत कौन सही, मुसलमानों पे जुल्म या फिर हिंदुओं पे जुल्म, इंडिया की अगर बात करें। मैं सिर्फ ये वीडियोस देख के पाकिस्तान के लोगों को एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू खड़ा होके इस तरीके से, जैसे अभी हमने ये वीडियो देखी, चाहे जैसी गलत हो झूठ हो ये तो एक अलहदा मैटर है, क्या इस तरीके से बात कर सकता है? क्या ये कह सकता है कि हम इन कीड़े मकोड़ों से नहीं डरेंगे, जितने भी आए हम उन्हें मार देंगे? कोई हिंदू खड़ा होके लाहौर की सड़क पे इस तरीके से कुछ कह सकता है, कर सकता है? तो हमें फिर बताइए कि वाकई यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बातें कड़वी लगती हैं, जब हम बात करें तो कड़वी लगती है, लेकिन ये है कि अगर